हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स गुरुजी पे। तो आप लोगों ने सीए फाउंडेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो देख ली होगी, नहीं देखी तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये 100 मार्क्स का जो है सीए फाउंडेशन में कवर होगा, और साथ के साथ आपकी जो है 12th की प्रिपरेशन होती रहेगी। पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है हम करेंगे, ठीक है? तो विद इन अ मंथ और अ मंथ एंड हाफ में आपका जो है पार्टनरशिप का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और आपकी 12th की साथ साथ में प्रिपरेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी जो बच्चे अभी सीए के लिए अपियर होंगे मई 2020 में, तो आपका पार्टनरशिप साथ साथ में कवर होगा। और 26 मार्क्स की थ्योरी होगी जो सीए फाउंडेशन के लिए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 26 नंबर की थ्योरी जो है आपकी इस चैप्टर से, जो भी मैं चैप्टर बताऊंगा उनसे आपकी कवर हो जाएगी। जो रिपीटेडली क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं बार बार, ठीक है? किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? सो ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, पार्टनरशिप फंडामेंटल का सबसे बेसिक पार्ट होगा, जिसमें हम यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है वो करने वाले हैं, ठीक है? पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नंबर है 9877043033। तो आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी चैप्टर वाइज, ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू है, ठीक है? ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू में सबसे सेंटर में है पार्टनरशिप, ठीक है? अब पार्टनरशिप जो है बड़ा सिंपल सा है, ये एग्रीमेंट होता है, एक एसोसिएशन होती है कम से कम दो लोगों की, एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन्स कंसर्न, मतलब जो जो भी इसमें पर्सन होते हैं इन्वॉल्व। सबसे पहले तो ये एक एसोसिएशन है दो लोगों की, या कम से कम दो लोगों की, और उसके बाद जितने भी मैक्सिमम इसमें मेंबर्स ऐड हो सकते हैं वो हो सकते हैं 100, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज किया गया है कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने रखने हैं, 50, लेकिन मैक्सिमम हो सकते हैं, मतलब 100 तक जा सकता है मैक्सिमम नंबर जो है। बट फॉर द टाइम बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, सो कम से कम दो, मैक्सिमम 50, ठीक है? और ये 50 नंबर जो है 100 तक एक्सीड किया जा सकता है इन फ्यूचर। सो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, मतलब कम से कम दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप होता है, जो कि क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है? जो भी प्रॉफिट्स या लॉस फॉर्म से अराइज होते हैं, वैसे जो हमारा एक्ट है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करूँगा, जिन बच्चों ने 12th में अभी तक ये चैप्टर्स अच्छे से नहीं किए तो अब आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। पार्टनरशिप एक्ट है 1932। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसमें सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया गया है, प्रॉफिट्स। वहाँ पे लॉस जो है वर्ड ही यूज़ नहीं किया गया। तो प्रॉफिट जो है इसका मतलब क्या होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट ही क्यों, क्या फर्म में लॉस नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव प्रॉफिट और पॉजिटिव प्रॉफिट, मतलब दो तरह का प्रॉफिट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोनों के लिए ही प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया गया है। जो नेगेटिव प्रॉफिट है उसको आप लॉस मानोगे, और जो पॉजिटिव प्रॉफिट है वो तो आपका प्रॉफिट ही है। देन एग्जिस्टिंग ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है एक एग्रीमेंट के साथ, ठीक है? एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्संस कंसर्न, जो भी कंसर्न पार्टनर्स हैं वो एग्रीमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी, एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल। आप एग्रीमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखो दो तरह से एग्रीमेंट हो सकता है, एक तो वर्बल, एक रिटन, ठीक है? वर्बल को जैसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेस, एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है कि आप प्रॉपर रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं दो पार्टनर्स मिलके, जितने भी पार्टनर्स आप फॉर्म में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है, लेकिन आजकल जो है टाइम नहीं है किसी की जुबान पे भरोसा करने का, तो आजकल जो एग्रीमेंट होता है वो नॉर्मली क्या होता है, रिटन फॉर्म में ही तैयार किया जाता है। उसके बाद बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब या तो बिजनेस सारे कैरी करेंगे या कोई एक पर्सन सबके बिहाफ पे बिजनेस को चलाएगा, मतलब एक पार्टनर जो होता है वो बाकी पार्टनर्स के लिए क्या होगा, को पार्टनर, ठीक है? मतलब सिंपल सा है कि वो एक प्रिंसिपल भी है और एक एजेंट भी है बाकी पार्टनर्स के लिए। सो तभी यहाँ पे लिखा जाता है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे एक्टिव पार्टनर हैं या कोई एक एक्टिव पार्टनर या दो एक्टिव पार्टनर बाकी पूरी फर्म के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। पार्टनरशिप के केस में क्या होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब
बिजनेस की जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं, जो भी आपकी एसेट्स हैं, जब आपकी फर्म डिसॉल्व होगी वो तो सारी यूज़ होंगी होंगी, साथ में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो है वो भी इन्वॉल्व करी जा सकती है, अगर आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बिजनेस से पूरी नहीं हो रही, मतलब बिजनेस की एसेट से पूरी नहीं हो रही, तो आपके पर्सनल पैसे को भी बीच में इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे इसमें एक नया चैप्टर, नया पार्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको बोलते हैं LLP 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारी गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है जी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में क्या है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, पार्टनर जो हैं जितना उनका बिजनेस का सिस्टम होगा सारा बस वही इन्वॉल्व होगा, अदर देन दैट आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी देखा नहीं जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी जो है ये जरूरी है पढ़नी आपको। ठीक है जी, तो सबसे पहले है अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ये तो बनाते ही हैं, यूनिवर्सल है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता ही बनता है, हर कोई भी किसी भी तरह की फॉर्म हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि सब प्रॉफिट लॉस के लिए ही काम कर रहे हैं। ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सब प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, और लास्ट में आती है हमारी बैलेंस शीट, तो इसमें हम बैलेंस शीट भी कवर करेंगे। देन इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है आपने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका प्रॉफिट आ गया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का सिंपल मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपने अर्न किया वो सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग नाम से। ठीक है, अलग अलग नाम कैसे, सैलरी दे दी पार्टनर को, ठीक है, आपने उसको कमीशन दे दिया, ठीक है, आपने उसको किसी तरह का रेम्यूनरेशन दे दिया, ठीक है, और जो बच गया और वो लास्ट में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारा जो भी आपने अर्न किया वो सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। दो मेथड्स हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के, सारा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट तब बनाते हैं जब करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने के टाइम पे करंट अकाउंट को ओपन नहीं किया जाता। ठीक है, अब पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन जो है फटाफट से रीड कर लेते हैं, आपने वैसे इसके बारे में काफ़ी समझ लिया, सुन लिया है कि एक इंडिविजुअल जो है, देखो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू हुआ, उसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस करने के रीजंस थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे, कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कैपिटल जो है वो लिमिटेड होती है, एक पर्सन जो अकेला बिजनेस कर रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस की। क्यों स्टेबिलिटी क्यों नहीं, क्योंकि अगर किसी पर्सन को कुछ हो जाता है जो बिजनेस रन कर रहा है तो बिजनेस खत्म। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी है, वो सारा मतलब अकेला बंदा जो है सारे काम नहीं कर सकता, अगर उसको कहीं जाना पड़ जाए तो शॉप बंद करनी पड़ती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां थी जिसके कारण जो है पार्टनरशिप फॉर्म जो है इंट्रोड्यूस हुई। प्रेजेंट बिजनेस वर्ल्ड जो है वैसे भी कंपेटिटिव है, कंपेटिटिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, छोटे लेवल का बिजनेस ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि बड़े लेवल के बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी होती है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है उसको सस्ता जो है वो हमारे को पड़ता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में कॉस्ट ज़्यादा होती है। सो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो है बिजनेस ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है बिजनेस के मायने जो हैं, बिजनेस की फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ से है द प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर 6, ये छोड़ दो, प्लस वन की काउंटिंग बाद में करेंगे। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स इंक्लूडिंग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर हैव बीन डिस्कस्ड इन सक्सीडिंग यूनिट्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है जी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 में डेफिनेशन क्या दी हुई है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने ऊपर भी बताया कि बिजनेस सब चलाते हैं या सबके बिहाफ पे एक पर्सन चलाता है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, अब पार्टनरशिप के फीचर्स, सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग क्या है, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस
फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस एज इट हैपन्स इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि एक बच्चा बर्थ लेता है, साथ के साथ ही उसको मेंबरशिप मिल जाती है. लेकिन पार्टनरशिप केस में क्या है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जाता है ताकि पार्टनर्स में जो एक पार्टनरशिप रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश किया जा सके. फॉर्मल या रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो जरूरी नहीं है पार्टनरशिप के केस में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया. पॉइंट नंबर टू है बिजनेस. अब पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट करती है अगर बिजनेस है तो, अगर बिजनेस नहीं है पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. दस इट इज नॉट द एग्रीमेंट अलोन विच क्रिएट्स अ पार्टनरशिप. अ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन पार्टनर्स बिगिन टू कैरी ऑन बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद देयर अग्रीमेंट. ठीक है, कोई पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है जब पार्टनर्स जो हैं वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ओनली स्टेट्स दैट बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन. थर्ड है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. देखो थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा नहीं मतलब बोर करूँगा, तो फटाफट से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब कहता है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो होती है. एक पार्टनरशिप फर्म तभी होती है जब एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को डिफाइन किया जाए, प्रॉफिट रेशो को एक्सप्रेस किया जाए. ठीक है, पार्टनरशिप में अगर रेशो गिवन नहीं होती तो उसको इक्वल माना जाता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रेशो जो है वो गिवन होती है. तो प्रॉफिट जो भी होता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, पार्टनर्स में उनकी स्पेसिफाइड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. देन म्यूचुअल एजेंसी. एक म्यूचुअल एजेंसी है. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब कि सब बिजनेस में इकट्ठे अपना रोल प्ले करते हैं या कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे काम करता है. दस इफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्ट्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द अदर्स ऑल्सो सो दैट दे स्टैंड इन द पोजिशंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स. जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि हर एक जो को पार्टनर है या एक पार्टनर है, बाकी उसके को पार्टनर्स हो गए, हर एक पर्सन जो है बिजनेस में क्या है, एक प्रिंसिपल का रोल भी प्ले करता है और एक एजेंट का भी. ठीक है, देन नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने हो सकते हैं, दो. ठीक है, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एज पर सेक्शन 464, ये एक लर्न कर लेना, एक ही सेक्शन है याद करने वाला. सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप consisting of more than 100 number of persons as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business. badi mushkil bhasha mein likha hua hai, simply aap ye samjho ki jo section 464 hai companies act 2013 ka, maximum members zyada se zyada kitne tak ho sakte hain 100, lekin rule 10 jo hai companies incorporation rules 2014 usne kya specify kiya ki jo limit hai wo 50 hi rakhni hai humne. the maximum number of members in a partnership firm should be 50, not more than that. ठीक है जी, इसके बाद एक नया कंसेप्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, जिसको आप बोलते हो LLP. ठीक है, पार्टनरशिप में आप एक और कुछ फीचर जो हैं वो ऐड भी कर सकते हैं. म्यूचुअल एजेंसी के बाद आता है पॉइंट नंबर 5, आप यहाँ पे लिख सकते हैं शेयरिंग ऑफ रिस्क. अगर प्रॉफिट शेयर होता तो साथ में रिस्क भी शेयर होता है. सिर्फ एक सिंगल पर्सन जो है वो रिस्क को बेयर नहीं करता, सभी में डिवाइड होता है रिस्क. अगर सारे प्रॉफिट शेयर करते हैं तो लॉस भी जो है वो इक्वली शेयर करेंगे. इसके अलावा इसमें और आ सकता है, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो लेस सीक्रेसी. ठीक है, सीक्रेसी कम होती है इसमें पार्टनरशिप फर्म में. ठीक है, सीक्रेसी कम क्यों होती है, क्योंकि जो भी डिसीजंस जो हैं वो लेने होते हैं पार्टनर्स ने वो एक म्यूचुअल कंसेंट से लेने होते हैं. ठीक है, अगर म्यूचुअल कंसेंट होगी तभी डिसीजन लिया जाएगा. ठीक है, अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो वो डिसीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिसीजन चलेगा नहीं. ठीक है, इसके बाद एक और इसमें आप फीचर ऐड कर सकते हो, वन पर्सन और वन पार्टनर कंट्रोल द होल पार्टनरशिप. ठीक है, ये मतलब अगर एक बिजनेस में चार पार्टनर हैं फॉर एग्जांपल, और चारों पार्टनर जो हैं वो अपने अपने लेवल पे अपने अपनी इक्वल पावर जो है वो कैरी करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार पार्टनर्स हैं ABCD. ठीक है, हम चार पार्टनर्स की एग्जांपल लेते हैं. अब चारों पार्टनर्स जो हैं वो पावरफुल होते हैं, मतलब पावरफुल का मतलब कि अगर डी जो है इसका शेयर बिजनेस में 1/6 है, इनका 2/6 है, इसका भी 2/6 है, इसका भी 1/6 है, इसका भी 1/6 है, मतलब 2:2:1:1 रेशो है. अगर डी जो है 1/6 शेयर कैरी कर रहा है बिजनेस में, इसका मतलब ये नहीं कि वो ए बी से छोटा है. ठीक है, हर एक के पास इक्वल पावर्स होती हैं, हर एक के पास जो है बिजनेस को कंट्रोल करने की पूरी कैपेबिलिटी होती है,
हर एक पर्सन जो है, हर एक पार्टनर जो है बिजनेस में, फर्म को बंद रखने का पूरा पूरा जो है वो मादा रखता है, और बाकी पर्सन्स को, जैसे फॉर एग्जांपल डी को बिजनेस नहीं पसंद आ रहा, बिजनेस इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसको लगता है ऐसा, तो हमने ऊपर म्यूचुअल एजेंसी पड़ा फंक्शन, तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि सारे इकट्ठे जो है मिलके काम करते हैं। अगर डी जो है इसको ओवरूल किया जा रहा है, तो ये बिजनेस को बंद कर सकता है, फर्म को डिसॉल्व कर सकता है बाकी तीनों पार्टनर्स को नोटिस देके। सो हर एक पर्सन जो है, सिर्फ डी की बात नहीं, ए भी इक्वली कंट्रोल कर रहा है बिजनेस को, बी भी और सी भी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं एलएलपी के ऊपर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स फॉर अ जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप विच हैज इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो आपने ऊपर किया अभी कि पार्टनरशिप फर्म्स तो थी, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि सबसे बुरा ड्रॉबैक जो है पार्टनरशिप फर्म का वो क्या है कि इसमें लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसका तोड़ सरकार ने क्या निकाला कि 2008 में एक एक्ट बनाया जिसका नाम रखा गया एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जितने भी पार्टनरशिप फर्म्स, आप पार्टनरशिप फर्म कर रहे हो बिल्कुल करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इन्होंने क्या किया कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है उसको लिमिटेड कर दिया, लिमिटेड ओनली अप टू द बिलोंगिंग्स ऑफ देयर बिजनेस। मतलब जैसे आपके बिजनेस की नेटवर्थ है, आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, आपके बिजनेस की नेटवर्थ है 100 करोड़, और आपने मार्केट का देना है कितना, 120 करोड़, तो आपसे मार्केट वाले जो हैं 100 करोड़ ही रिकवर कर पाएंगे, इससे ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाएंगे। आपके पास चाहे 10 करोड़ का घर पे बंगला हो, 5 करोड़ की गाड़ियां हो, आपसे कुछ भी रिकवर जो है वो नहीं किया जा सकता, अदर देन जो आपके पास बिजनेस में अवेलेबल है उसके अलावा। ठीक है, मतलब पार्टनर्स जो हैं आप उनकी लाइबिलिटी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दी, लिमिटेड कर दी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, पार्टनरशिप टाइप जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज द फर्म इज नॉट लीगल एंटिटी। ठीक है, फर्म जो है लीगल एंटिटी नहीं है। जनरल पार्टनर्स आर ऑल्सो ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर टॉर्शुअस एक्ट्स ऑफ को पार्टनर्स। इन केस ऑफ लिक्विडेशन पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी लिक्विडेटेड टू मीट द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। ये पुरानी पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी ग्रो करी। ठीक है, द रोल प्लेड बाय इट्स एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज इट्स टेक्निकल एंड प्रोफेशनल मैन पावर हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड इंटरनेशनली। मतलब कि जो हमारे कंट्री के बिजनेसमैन हैं या टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज रिस्क एंड कैपिटल मे बी कंबाइंड टू प्रोवाइड अ फर्दर इम्पेटस टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। इम्पेटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसके ऊपर फोकस किया गया। इन दिस बैकग्राउंड अ नीड हैज बीन फेल्ट और न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म दैट वुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप लाइबिलिटी विद अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑन द अदर हैंड और ऑन द वन हैंड एंड द स्टैच्यू बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ऑन द अदर साइड। दिस वुड एनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव टू कंबाइन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट इन फ्लेक्सिबल इनोवेटिव एंड इन एफिशियंट मैनर। मतलब ये लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल लिखी हुई है, इसमें सिंपल ऑल एंड ऑल इन्होंने ये बोला है कि जो पार्टनरशिप फर्म है पहले वाली, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ही था, लेकिन जैसे जैसे इंडिया ग्रो किया, इंडियन इकोनॉमी ग्रो की, ठीक है, तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। ठीक है, और जो हमारे कंट्री के प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है, एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने इनिशिएट किया ताकि जो लिमिटेड लाइबिलिटी है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए पार्टनरशिप में भी। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है एक बहुत ही प्रिवेलेंट टाइप ऑफ बिजनेस है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो उन्होंने 2008 में यहाँ पे लिखा हुआ है, दस इन कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल सिनेरियो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 वाज इंट्रोड्यूस। फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में बहुत पुराना है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, इंडिया में ये 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया। LLP is viewed as an alternative corporate business proposal that provides the benefits of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership which is based on a mutually right agreement. ठीक है, इसकी ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ LLP की। LLP का जो एक एग्जाम्पल है वो है मेट्रो रेलवेज। ठीक है, जो मेट्रो है वो LLP का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है,
एलएलपी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि पार्टनरशिप पुराने वाली नहीं है, लायबल टू फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स विद द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स बीइंग लिमिटेड टू द एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एलएलपी विच मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल नेचर और बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल इन नेचर। मतलब कि जो एलएलपी पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी टाइप है पार्टनरशिप की, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम देयर मेंबर्स। सिर्फ जो इनकी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उस वैल्यू तक, पार्टनर्स भी अपने जितने बिजनेस में उनकी बिलोंगिंग्स हैं सिर्फ उसी तक देनदारी है उनकी, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल नेचर की एसेट्स हैं, सिर्फ उतना ही वो पेएबल हैं जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैं उनको। ठीक है, नो पार्टनर वुड बी लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज्ड एक्शन ऑफ अनदर पार्टनर्स और देयर मिसकंडक्ट। कोई भी पार्टनर जो है वुड बी लायबल नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब सिंपल सा कि हर एक पार्टनर जो है अपने ही वर्किंग के लिए, अपने ही काम के लिए लायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। ठीक है, द लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स हु आर फाउंड टू हैव एक्टेड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट्स और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। क्या है इसका लाइन का मतलब? जो लाइबिलिटीज हैं एलएलपी की एंड पार्टनर्स और पार्टनर्स की, हु आर फाउंड टू हैव एक्टेड विद इंटेंट, वो मतलब अगर पार्टनर्स हैं एलएलपी, पकड़ी जाती है, पाई जाती है कुछ डिफ्रॉड इंटेंशन रखते हुए किसी क्रेडिटर्स के लिए और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, या कोई उनका फ्रॉडुलेंट पर्पस होता है, शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी ऑफ डेट्स और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। मतलब इस केस में उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, उनको जितना उन्होंने फ्रॉड किया है वो सारे का सारा जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, अभी इस पार्ट में इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे एलएलपी का और नॉर्मल पार्टनरशिप का डिफरेंस और पार्टनरशिप डीड जो है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये करने की कोशिश करेंगे आगे। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।